तो यार दोस्तों, जिस चीज का डर था वो हो गया। मतलब 2016 में ना जब जियो आया था, अपने 4G नेटवर्क लेके आए थे, तहलका मचा दिया था इन्होंने प्राइसेस का। और यहाँ पे जो बाकी कंपनी थी कुछ डूब गई और बाकियों को यहाँ पे कर्जे में डूब के प्राइस कम करने पड़े। तो हमें पता था यार एक टाइम आएगा, मतलब अभी भी नहीं आया है बट आएगा, धीरे धीरे इनके प्राइस वापस पहुंचेंगे। ये जो फ्री का जो बिल्कुल सस्ता थोक के भाव हमें नेट मिल रहा है ना, ये टाइम जाएगा ही, मतलब इतना टिकने नहीं वाला। इसीलिए जहाँ पे 5G आने वाला है, सुनने में आ रहा है भाई बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा होगा, तो ये सब तो ऑब्वियसली मतलब पता ही था होगा। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे अब बात करेंगे कि ये प्राइस और कितने बढ़ेंगे फ्यूचर में, कब तक बढ़ेंगे, कितना ये स्टेबल रहने वाला है। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So, यहाँ पे बात है सन 2016 की। तो जब 2016 में यहाँ पे जियो आया तो यहाँ पे काफी तहलका मचा दिया जियो ने, क्योंकि इसने एक साल तक तो लोगों को फ्री ही यहाँ पे नेट बांटा। तो जितने यहाँ पे एक तो जो छोटी मोटी कंपनी थी आपकी, तो रिलायंस ही होगी अनिल भाई की अपनी कंपनी, आपकी टाटा डोकोमो होगी, एक टेलीनॉर थी, एयरसेल थी और वीडियोकॉन थी, ये सारी कंपनी यहाँ पे बंद हो गई। मतलब उनका वहाँ पे एकदम दिवाला निकल गया। और उसके बाद जो बची खुची यहाँ पे कंपनीज थी, आपका आइडिया हो गया, आपका वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, और BSNL को थोड़ा अलग रखेंगे इस कन्वर्सेशन में यहाँ पे हम, तो ये कंपनी यहाँ पे काफी एक स्ट्रेस में आ गई थी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो थे वो अपना यहाँ पे सिम चेंज करा रहे थे, जियो की तरफ जा रहे थे या नए सिम खरीद रहे थे, और अपने जो मेन सिम उन पे रिचार्ज ही नहीं करा रहे थे। तो उन्होंने कस्टमर को रखने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इनको भी अपने यहाँ पे प्राइस कम करने पड़े, जिसके वजह से इन्हें काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान झेलने को मिला। अब उस टाइम के बाद यहाँ पे क्या हुआ, तो जो कंपनीज का जो एक रेवेन्यू होता है बहुत कम जनरेट होना शुरू हुआ। मतलब आप इमेजिन करो कि यार एक साल के अंदर अंदर जब इनके प्लान इतने सस्ते हो गए तो इनको मतलब तुम्हारा एक साल तो इतना इनकम हुई और दूसरे साल उसकी खत्म, मतलब इनकम ही खत्म होगी तुम्हारी। तो ये चीज यहाँ पे अब तक देखने को मिल रही है, थोड़े थोड़े इन्होंने प्राइस बढ़ाए हैं। अब जो कंपनीज जैसे मैंने आपको बताया जो डूब गई, उनके पास कोई फाइनेंशियल बैक नहीं था, मतलब उनपे कोई इतना रिसोर्सेज नहीं थे बैक एंड में जितने यहाँ पे जियो पे थे। और जो बची खुची जो बड़ी कंपनी थी इनको भी मतलब अपना पूरा प्रॉफिट खत्म करना पड़ा। और उसके बाद सीधा सीधा क्या हुआ, जो इन्होंने जितने 4G के स्पेक्ट्रम खरीदे थे, 2G के, 3G के स्पेक्ट्रम खरीदे थे, उनका जो कर्ज है उसे चुकाना पड़ गया बहुत ज्यादा भारी। अब यहाँ पे मुकेश अंबानी भाई जी का हाथ है जियो के ऊपर, तो उनका तो इतना कुछ चलता रहेगा, उनको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट आपका एयरटेल हो गया और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज हैं, जो वोडाफोन आइडिया एक्चुअली एक ही हो चुकी है, कर्जा चुकाने के लिए इतने बुरा हाल हो चुके हैं, उनके पास जितने भी इनके सरकारी जो लोन है एक तरीके से उनके ऊपर पड़ा हुआ, उसको चुकाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो 4G का भी कर्जा नहीं चुका है, यहाँ पे अब 5G आने वाला है। अब बेसिकली जब ये बिकते हैं इंडिया में स्पेक्ट्रम, वन ऑफ द हाईएस्ट कॉस्ट होता है पूरे वर्ल्ड में, भले हमारा जो डेटा है वन ऑफ द चीपेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, बट जो इसका जो लेने का कॉस्ट है वो सबसे हाईएस्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज्यादा पैरेलल डिफरेंस आ रहा है कि यार टेक्नोलॉजी लेनी है 4G 5G उसके लिए इतना ज्यादा यहाँ पे सरकार को देना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम जो कस्टमर है उन्हें बहुत मतलब फ्री में मिल रहा है। बेसिकली तो ये हो गया कि आप सामान ला रहे हो बाजार से, आप दुकानदार हो, आप ला रहे हो 20 रुपए में और उसे 10 रुपए में आप बेच रहे हो और अपना यहाँ पे नुकसान कर रहे हो। अब यहाँ पे 2021 एंड हो चुका है ऑलमोस्ट, और 2022 में सुनने में आया कि यहाँ पे 5G का ऑक्शन किया जाएगा और जो उसके प्राइस होंगे वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हाई देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि जो 5G की डेवलपमेंट है वो काफी ही कॉस्टली है, यहाँ पर उसको बिछाना, लगाना, तार बिछाना, इधर पहुंचाना, सिम बनाने, इन सब में लगता है पैसा। और पैसा कहां से आता है, वो है कस्टमर। और जो डेटा जो कंपनी देखती है वो है एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर। तो बेसिकली एक कस्टमर एक महीने में कितना यहाँ पे खर्च कर रहा है, इससे पता चलता है कि कंपनी दिवाली मना रही है या उसका दिवाला निकल रहा है। तो इस वक्त इंडिया में जो एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100-150 के अराउंड है, और एयरटेल इसे 200 के पार लेके जाना चाह रहा है। प्लस यहाँ पे साथ ही साथ इस वक्त कंपनी क्या करना चाह रही है कि जो लोग दो दो सिम लेके घूमते थे यहाँ पर कि यार एक मेन रखता हूँ और एक ऐसी रिचार्ज कराता रहूंगा वैलिडिटी का, ये वो कस्टमर्स को भी खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब वैलिडिटी का रिचार्ज कराना ही बहुत महंगा पड़ जाएगा तो लोगों को सिम छोड़ ही देंगे, या उसे अगर उनका मेन नंबर है उसे पोर्ट करा के एक ही यहाँ पे सिम रखेंगे। तो बेसिकली जो यहाँ पे लटके हुए कस्टमर होते हैं या सिम्स होते हैं, क्योंकि एज इंडिविजुअल कस्टमर यहाँ पे काउंट होता है, वो यहाँ पे चल जाएंगे, तो इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर है वो इंक्रीज होगा। प्लस कंपनी को भी यहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है फालतू के जो ये कनेक्शन मेंटेन रखना, इससे अच्छा तो कंपनी भी खुद कहती है कि यार या तो आप ढंग से आ ही जाओ या आप चले ही जाओ, मतलब ये बीच में जो लटकने वाला सीन है बहुत ही बेकार रहता है कंपनी के लिए। अब यहाँ पे इंडिया में ना यार 3 ही प्लेयर बचे हैं, अगेन मैंने कहा BSNL को साइड में रख दो, यहाँ पे 3 प्लेयर बचे हैं, आपका वी हो गया, आपका जियो हो गया और एयरटेल हो गया। इसी में कस्टमर इधर से उधर घूम रहे हैं, कोई इधर चल जाता है, कोई उधर चल जाता है, बट ज्यादातर आपने देखा होगा कि यार लोग एयरटेल से स्विच कर रहे हैं जियो या अपने वी की तरफ, क्योंकि वी थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है, आजकल काफी उनका बिंग वॉच वगैरह चल रहा है, और जियो ऑब्वियसली आपका थोड़ा 50-100 रुपए सस्ता पड़ जाता है। बट ये सब तो चलो अलग है, अब मेन बात है कि क्या फ्यूचर में इसके प्राइस और बढ़ेंगे। तो मुझे पर्सनली लगता है जितना
था पहले था 2015-14 में जितना हाई रेट था उतना तो वापस नहीं जाने वाला। बट जो बेसिक जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें जो लटके हुए कस्टमर हैं पसंद नहीं है कंपनीज को, तो इन्हें हटाने के लिए लोग जो लोअर प्लान्स हैं उनको यहाँ पे कम करेंगे या हटा ही देंगे। मतलब आपका सीधा या तो 300-400 का ही मिनिमम रिचार्ज मिलेगा आपको, बट एकदम से बिल्कुल 2000 रुपए तक कभी आपका नेट नहीं पहुंचेगा। अब अगर यहाँ पे बात करें 5G की, तो 5G का फ्यूचर एक्सपेंसिव ही होने वाला है। इनके प्लान्स बहुत एक्सपेंसिव जाने वाले हैं, मतलब कितने बहुत ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जो 5G का स्पेक्ट्रम ही है ये काफी कॉस्टली है यहाँ पर। अब जो मुझे यहाँ पे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है यहाँ पे जो डेली डेटा वाला सीन है ये आपको 5G में नहीं मिलने वाला शायद से, जहां तक मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वहां पे आपको कुछ अलॉटेड GB मिलेगा, जैसे 24 GB या 25 GB 500 रुपए में, चीपर ही रहेगा, लोअर एंड भी रहेगा, बट जो आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे कम देखने को मिल सकता है 5G में। अब ये तो नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा कि कितने कितने इसके प्राइस होने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया जो ये प्राइस इंक्रीज हुए लोगों को काफी बुरा लगा यहाँ पर। अब ऐसी बात नहीं यार, जब आपको पता है कि नेट अच्छा चाहिए, 5G टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है, तो कंपनीज को भी यहाँ पे कुछ करना तो पड़ेगा ही। अगर आप इनकी एनुअल रिपोर्ट उठा के देखो, आप थोड़ा रिसर्च करो, तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा कर्जे में डूबी हैं कंपनियां, और तब भी हमें एक्चुअल यहाँ पे नेट काफी ज्यादा नेट मिल रहा है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए यहाँ पे। और जो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनीज प्राइस इंक्रीज कर रही है, पता है मुझे थोड़ा एकदम से सडन चेंज है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज हो रही है, बट अगर यहाँ पे इतना नहीं करा तो कंपनीज खत्म हो सकती है यहाँ पे। और अगर एक ही कंपनी यहाँ पे टिक गई तो वो भी बहुत ही बेकार चीज होगी यहाँ पे, क्योंकि किसी भी चीज की मोनोपोली अच्छी नहीं है। अगर एक यहाँ पे कंपनी टिकी फिर तो चाहे वो 500 से सीधा 5000 कर दे प्राइस, आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपना फोन मत चलाओ, वो तो फिर देखा ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है हमारे, इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि थोड़ा टिके रहे और मार्केट में कंपटीशन बना रहे, क्योंकि वो कंपटीशन कस्टमर्स के लिए हमेशा बेनिफिशियल रहता है। और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि अगर आप एक सेकेंडरी सिम यहाँ पे यूज करते थे, जैसे हमारे अचिन भाई यूज करते हैं, तो इन्होंने रिसेंटली अभी एयरटेल को अपना यहाँ पे BSNL में स्विच कर दिया है। तो आप BSNL में यहाँ पे स्विच करके अपने सरकारी कंपनी को यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो, उन पे भी थोड़ा पैसा आएगा, वो भी अब 3G से थोड़ा 4G में फैलाएंगे, फिर 5G जब आएगा तो उसका भी नेट भी मतलब अच्छा ही यार, BSNL का ठीक ठाक अच्छे खासे प्लान है, सस्ते प्लान है, अनलेस वो भी अभी एक दो दिन में वो भी काफी एक्सपेंसिव कर दें। तो यहाँ पे बस इतना ही था इस वीडियो में, आप कौन सा यहाँ पे सिम यूज कर रहे हो और कौन से में अगर पोर्ट करोगे तो करोगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस वक्त और वीडियोस आ रही होंगी आपकी स्क्रीन पे, उन्हें देखना। मैं चलता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।